हेलो दोस्तों, मैंने ये ऑनलाइन कोकोपीट मंगवाया था फ़्लिपकार्ट से, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कोकोपीट ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, और मैंने इस कोकोपीट को किस सेलर से ख़रीदा था मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये फ़्लिपकार्ट से ये कोकोपीट मंगवाया था। ये 10 kg का कोकोपीट है। देखिए ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट है, मतलब पूरा वेट भी तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा मॉइस्ट है। ये 2-3 दिन से रखा हुआ है तो थोड़ा सूख गया है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 kg तक होगा, क्योंकि थोड़ा वेट है तो थोड़ा सा वाटर भी इसमें ऐड है, तो इस वजह से इसकी जो वेट है वो बढ़ गया है। देखिए दोस्तों, ये रहा वो कोकोपीट, मैंने एक छोटे से कंटेनर में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह का है ये। मैंने इसे जूम आउट कर दिया था कि आप बेहतर तरीके से देख सकें। देखिए ये कोकोपीट रियल है, इसमें बाकी और भी वर्मो कंपोस्ट या फिर सोयल कुछ भी मिला हुआ नहीं है, एकदम प्योर कोकोपीट है। आप जानते होंगे कि कोकोपीट किस चीज़ के इस्तेमाल होता है। ये बीजों के जर्मिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि नमी को काफ़ी दूर तक होल्ड करके रख सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन से सेलर से ये कोकोपीट ख़रीदा था। देखिए दोस्तों, कोकोपीट सीड्स के जर्मिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आपको अगर कभी भी सीड को जर्मिनेशन करना है तो आपको कोकोपीट का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो फ्लिपकार्ट में काफ़ी सही सेलर है जो कोकोपीट को सेल करते हैं, लेकिन काफ़ी सेलर्स कोकोपीट के साथ काफ़ी कुछ मिक्स कर देते हैं, जैसे सोयल हो गया या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर काऊ डंग हो गया। तो ये प्योर कोकोपीट है, इसमें आपको सिर्फ कोकोपीट ही मिलेगा। ये मैंने 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था। और किस सेलर से मैंने ये लिया था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा, ये मैंने ऑर्डर किया था, और आप यहाँ पे सेलर का नाम चेक कर सकते हैं। और आप रेटिंग दे सकते हैं इसकी, 4 से ज़्यादा रेटिंग है, 4.3 स्टार्स मिले इसको। और ये मुझे लगभग 190 रुपये में ही पड़ा था, जैसा कि प्राइस का आज है। देखिए, तो आपको भी अगर ये कोकोपीट ख़रीदना है तो आप इसी सेलर से ख़रीदें, मेरी यही सलाह होगी। बाकी आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं और ऐसे वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू।